दोस्तों आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अकील खान, आप देख रहे हैं वन चैनल। आज हमारे साथ जो बड़ी शख्सियत जुड़ रही हैं कुछ गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए, उसमें है जनाब मेराज सिद्दीकी साहब। आप चीफ जनरल सेक्रेटरी हैं समाजवादी पार्टी मुंबई महाराष्ट्र के। दूसरी शख्सियत जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं एस एम मुशर्रफ शमसी साहब, आप पहली खबर और तिरछी आंख के संपादक हैं। जनाब सलीम खान साहब, आप मशहूर कॉलमनिस्ट हैं, और जमीर खान साहब जो कि वन चैनल के एडिटर हैं। सबसे पहला सवाल मेरा मिराज सिद्दीकी साहब से है। आज का जो टॉपिक है वो है 2022 का यूपी का जो असेंबली का इलेक्शन आने वाला है, इसमें हम मिराज सिद्दीकी साहब से जानना चाहेंगे कि क्या स्ट्रेटजी है समाजवादी पार्टी की यूपी में कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर सके और मेजोरिटी में आकर के वहां अपनी गवर्नमेंट बना सके। 22 में 22 कल, ये हमारा नारा है। पूरी यूपी में यही नारा चल रहा है कि आने वाले 22 में वहाँ बाइसकल चलेगी, साइकिल चलेगी। लोग बुरी तरह परेशान है वहाँ, कोई तबका ऐसा नहीं, मजदूर परेशान, अलग अलग जातियों के लोग परेशान। एक खास माइंडसेट रखने वाले लोग ही हुकूमत कर रहे हैं। खुद भाजपा में, भाजपा के अंदर, हुकूमत के अंदर लोग परेशान है, योगी से पूरी तरह परेशान है। और पूरी तरह हमारी कोशिश होगी कि समाजवादी पार्टी अपने नीतियों के बल पर, अपने आईन, अपने संविधान के बल पर, और जो काम हमारे मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री अब भावी होंगे, अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है, जैसे हमारा नारा था कि काम बोलता है, उनका काम आज भी बोलता है। मैक्सिमम जगहों पर जो समाजवादी पार्टी ने काम पूरा किया था, जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे, उसका उद्घाटन योगी ने किया है, भाजपा सरकार ने किया है, काम अखिलेश यादव ने किया है, काम समाजवादी पार्टी ने किया है। ये लोग पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को बाहर रखें, क्योंकि माहौल पूरी तरह बन चुका है। यूपी के लोग अब दोबारा साइकिल चलाना चाहते हैं। कमल का फूल मुरझा गया है, बल्कि खूनी फूल हो चुका है। इसीलिए देखिए, ये लोगों ने वापस, जैसे ही इलेक्शन करीब आता है, इनके देखिए मुद्दे शुरू हो जाते हैं। हिंदू मुसलमान का मुद्दा, पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुद्दा अभी देखिए चल रहा है। क्या चल रहा है? लव जिहाद शुरू हो गया। अभी ताज़ा ताज़ा खबर आई है कि मोहतरम बड़े शायर मुनव्वर राना साहब की साहबजादी घर पर उन लोगों ने छापा मार दिया, बिना वारंट के, बिना इजाजत के घुस जा रहे, जंगल का राज बना दिया इन लोगों ने। और ये बिकाऊ मीडिया, ये भाजपा के तलवे चाटने वाला मीडिया, जो कल एक छोटा सा इंसिडेंट अगर हो जाता था समाजवादी पार्टी की हुकूमत में, तो पूरे चैनल पर दिन रात वही बहस होती थी, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आज रोजाना कहीं ना कहीं मर्डर हो रहा है, एनकाउंटर के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, गुंडागर्दी आम हो चुकी है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग, आपने देखा होगा वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह पुलिस स्टेशन में जाकर दारोगा का मारा है, गालियां दी है। ये अपनी सत्ता का इतनी पूरी तरह दुरुपयोग कर रहे हैं, इससे जनता पूरी तरह परेशान है। और आने वाले 22 में आप देख लीजिएगा कि हमको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, माहौल पूरी तरह बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी हम कोशिश करेंगे इस तरह के मामला जो लेके आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, लव जिहाद, यही सब आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब बहुत ज्यादा ये दाव कारगर नहीं होगा। लोग तरक्की चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। भारत का नेचर ऐसा है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। पिछन मुट्ठी भर के लोग, आरएसएस के एजेंटों पर चलने वाली सरकार, ये अपने मुद्दों के बल पर, ये अपने काम पे बल कर तो कभी भी चुन के आ ही नहीं सकते। ये मेरा चैलेंज है, चाहे वो भाजपा की केंद्र की सरकार हो, चाहे रियासतों में सरकारें हो, अगर ये काम के बल पर चुन के आने की बात करें ना, तो रिजेक्ट कर दिए जाए। भारत की जनता बहुत भोली है, बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती है। 15% जी बोलिए।
मेरा साहब, हम अक्सर ये मीडिया में देख रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहां पर एक जंगल राज इस समय चल रहा है जो योगी प्रशासन पुलिस के द्वारा चला रही है। हमने ये भी देखा कि योगी प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम रहा है कोरोना में। गंगा में लाशें तैर रही थी, जानवर उसको खा रहे थे, लेकिन चुनाव जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की नाकामियों पर ही नहीं बल्कि स्ट्रेटजीज पे भी जीता जाता है। इससे पहले हमने देखा कि उन्होंने राहुल गांधी के साथ में गठबंधन बनाया था पिछले चुनावों में, जिसको यूपी के लौंडों का नाम दिया गया। दूसरा, उन्होंने मायावती जी के साथ में बुआ और बबुआ जैसा एक अलायंस बनाया था, वो भी काम नहीं कर पाया। लेकिन इस 2022 में अगर योगी सरकार को आने से बचाना है तो गठबंधन पर या सोशल इंजीनियरिंग पर किस तरीके से काम कर रही है अखिलेश यादव की सरकार इस पर, वो उनकी टीम किस तमाम तरीके से काम कर रही है? स्ट्रेटजीज, वो तमाम रास्ते जो चुनाव जीतने के लिए हो सकते हैं, वो समाजवादी पार्टी सब कुछ सब कर रही है। लेकिन ये तमाम रास्ते वही चुने जाएंगे जो अच्छे रास्ते हैं। इसमें धोखेबाजी का रास्ता नहीं होगा, इसमें झूठ का रास्ता नहीं होगा, इसमें गुंडागर्दी का रास्ता नहीं होगा, इसमें सच्चाई का रास्ता हो। हम घर घर जाकर, गली गली जाकर भाजपा की नाकामियों को गिनवाएंगे। हम बताएंगे कि ये लोग कितने झूठे हैं, हम बताएंगे कि ये लोग गुंडे हैं, हम बताएंगे कि किस तरह लॉकडाउन में इन्होंने लोगों को, एक खास समुदायों को परेशान किया है लॉकडाउन के नाम पर, कोरोना के नाम पर। जहां लोग परेशान थे, अनाज को तरस रहे थे, कारोबार खराब हो चुके थे, बेरोजगारी फैल रही थी, वहां इन लोगों ने इंतकामी सियासत कर, खास मुख्तलिफ वो पार्टियां जिनको सत्ता से बाहर करने के लिए कोशिश कर रही हैं, उनके वर्कर्स को पकड़ा, मुसलमानों को परेशान किया, दलितों को परेशान किया, यादों को टारगेटेड परेशान कर रहे हैं। ये तमाम लोग जो हुकूमत में हैं, मुख्तलिफ सरकारी महकमों में जहां इनके ट्रांसफर किए जाते हैं, इनको प्रताड़ित किया जाता है, ये तमाम बातें हमारे सामने हैं, लोगों के भी सामने स्ट्रेटजी भी बन रही है। और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बन जी, पूरी समाजवादी का थिंक टैंक इस वक्त जुड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, नए नए रास्ते अपनाए जा रहे हैं, सच्चाई के रास्ते, तरक्की के रास्ते, जनता के फायदे के रास्ते, रियासत के फायदे के रास्ते के लिए बात की जाएगी और स्ट्रेटजी उसी के मुताबिक बनाई जाएगी। यही मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि यूपी की परेशान जनता को योगी प्रशासन से की परेशानी से और बचाने के लिए बड़े घटकों के साथ क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? क्यों गठबंधन बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस के साथ में, बसपा के साथ में? अगर देखिए, ऐसा अगर ये है, चारों पार्टी, बड़ी बड़ी पार्टी अलग अलग लड़ेंगी तो हो सकता है बैकडोर से फिर से योगी प्रशासन आ जाए। नहीं, देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आपने देखिए अभी बंगाल का इलेक्शन आपने देखा, ममता बनर्जी ने क्या किया? दो बड़े दल थे ना, कम्युनिस्ट पार्टी 27 साल हुकूमत किया, कांग्रेस ने बरसों बरस वहां हुकूमत की, नहीं किया उन्होंने से, क्योंकि उनकी नीतियां लोगों के सामने थी। क्या हुआ बंगाल में? लोगों ने यथे रिजेक्ट कर दिया सब और ममता को चुनकर ले गया। यहां जो आप कह रहे हैं बड़े घटक से, बड़े दलों से गठबंधन की बात, तो तजुर्बा तो हम कर चुके हैं ना, माजी में हम दोनों तजुर्बे से गुजर चुके हैं। वो तो तजुर्बा हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं रहा। हाँ, जो मुलायम सिंह यादव जी के तजुर्बात रहे हैं, उसी से अखिलेश यादव जी को भी फायदा उठाना चाहिए। छोटे दल जो अपना एक मकाम रखते हैं, अपनी एक साख रखते हैं, इनसे बातचीत चल भी रही है, कुछ लोगों से बात तय भी हो चुकी है, और आगे बात और इन्हीं दलों के जरिए, इन्हीं के जरिए आगे बढ़कर हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अभी इस पर काम हो रहा है, काम होगा। जैसे छोटे छोटे दलों की आपने मेरा साहब बात की, कुछ ऐसे दल भी हैं महान दल वगैरह यूपी के, कुछ ऐसे छोटे छोटे दल भी जिनके बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जब आप छोटे छोटे दलों से बात कर रहे हैं तो वहीं पर एमआईएम, जो ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इंटर कर रही है वहां पर, उसके साथ में किस तरीके की कोई बातचीत क्यों नहीं हो रही है समाजवादी पार्टी की? देख, बातचीत उसूलों पर होती है, बातचीत नजरियात पर होती है। आपने एमआईएम का जिक्र किया, देखिए जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, सबको लड़ने का हक है। ये असलन कहाँ की पार्टी? ये असलन तो आंध्रा की थी, जो अब अलग होके तेलंगाना हो गया, ठीक है ना? तो जब तक आंध्रा प्रदेश रहा और अब अलग होकर जब ये लोग तेलंगाना
में आ गए हैं, तो इन्होंने कब 100 सीट लड़ाई, कोई बताएगा मुझे 100 सीट कब लड़ाई है इन्होंने? जहां इन्होंने, जहां स्थापना हुई इनकी पार्टी की, जहां ये बरसों से अपनी पार्टी को चला रहे हैं, कारपोरेशन में इनकी हुकूमत भी रही है, जब उस इलाके में, जब उस स्टेट में, जब उस राज्य में ये 100 सीट नहीं लड़ाते हैं, तो इन्होंने जो ऐलान किया है उत्तर प्रदेश में 100 सीट लड़ाने का, वो किस बेस पर? क्या 100 सीट जीत पाएंगे ये लोग? क्या 100 सीट ऐसी है जिसपे MIM लड़कर चुनाव जीत सकती है? सवाल है ना, तो फिर क्यों? मेरा साहब ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है ना अपने घटक दलों के साथ थोड़ा प्रेशर बनाने के लिए कि हम 100 दलों पर 100 सीटों पर लड़ाएंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके 15-20 सीटों पर लड़ा लेंगे। लेकिन अबू आसिम साहब का अभी एक बयान आया कि 100 सीटों पर अगर MIM यूपी में इलेक्शन लड़ती है तो वो सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, इस तरीके के स्टेटमेंट को आप किस तरह देखते हैं? किस तरह देखते हैं, सच्चाई यही है, सच्चाई यही है ना। आपने देखा ना बिहार में क्या हुआ, कहने को तो हमने थोड़ा सी पूर्वांचल के सीमांचल के इलाकों में लड़ा था, होता क्या है ये दोनों भाई मीडिया से इलेक्शन से पहले देखो, 2-3 महीना पहले का मंजर आप देख लो, किसी टीवी पे ये भाई नहीं थे, और जैसे इलेक्शन अभी करीब आ रहा है इन भाइयों को टीवी पर लाकर, इनसे बातें करवाकर, उस बात को मुद्दा बनाकर गलतफहमी फैलाई जाती है। मुझे बताइए ना, जब एक आम भारतीय सुनेगा कि हम 25 करोड़ तुम 100 करोड़ पुलिस हटा दो, फिर देखो ये किस तरह की भाषा है, ये किस तरह की मानसिकता है, क्या इस्लाम इसको सिखाता है, क्या एक मुसलमान का एक कर्तव्य किस तरह की भाषा का है? तो जब ये कोई सुनेगा तो क्या करेगा, वो तो यही करेगा कि वो जाफरानी, वो अलगाववादी जो भारत को तोड़ने की सियासत करते हैं, जो भारत के राजनीति में नफरत की सियासत पैदा करते हैं, जो भारत को एक रंग में रंगना चाहते हैं, सिर्फ एक तमानी रंग में, लोग उनके पास चले जाते हैं। ये करते हैं ये लोग, ये सीधे सीधे इस तरह का स्टेटमेंट, इस तरह की सोच, इस तरह की राजनीति सिर्फ और सिर्फ भाजपा को, RSS के एजेंटों को फायदा पहुंचाएगी। सवाल मेरा सलीम साहब से है। अभी मेरा साहब ने बताया और हम भी जानते हैं कि यूपी में योगी प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है, लेकिन अगर सपा अखिलेश यादव की अगर ये स्ट्रेटजी है कि वो छोटे दलों के साथ में लेकर के वहां पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और किसी तरीके का अलायंस बसपा सपा और कांग्रेस के पास साथ में नहीं बन पाता है, जो कि एक बड़ा अलायंस बन सकता है वहां पर, बड़ी पार्टियां, आपको लगता है अखिलेश यादव जी आ सकता है वहां पर योगी प्रशासन को हटा करके वहां पर सरकार बना सकते हैं आपकी, आप क्या सोचते हैं सलीम साहब? देखिए अभी जो मिसाल दी गई वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल की जो स्ट्रैटेजी थी बेसिकली, जिस पर ममता ने सबसे ज्यादा जोर दिया, वो ये था कि उसने बीजेपी को आउटसाइडर बनाया और उसमें बीजेपी ने उसकी मदद की, यानी बीजेपी ने ये किया कि किसी बंगाली लीडर को प्रोजेक्ट ही नहीं किया, ना शुभेंदु को, ना मुकुल रॉय को, ना किसी को, और उन्होंने ये सोचा कि साथ मोदी और शाह मिलकर के ममता को हराएंगे, और इसका फायदा उठाया ममता ने, और ममता ने बंगालियों को ये समझाया कि देखो ये बाहर के लोग हैं, बल्कि वो तो नाम लेती थी ये गुजराती लोग हैं, और ये आकर के तुम्हारी तहजीब को, तुम्हारी जबान को जो है वो खत्म कर देना चाहते हैं, और तुम पर जो है वो एक बैरूनी तहजीब या बैरूनी कल्चर संस्कृति को थोप देना चाहते हैं। और ये स्ट्रेटजी जो है वो ऐसी चली कि पूरा जो बंगाल का वोटर था वो दो हिस्सों में बढ़ गया, और जो आउटसाइडर्स के खिलाफ जो गुस्सा था वो पूरा के पूरा ममता की झोली में आ गया, और पब्लिक के अंदर दूसरा प्रॉब्लम यह हुआ कि मोदी और शाह ने इतनी एग्रेसिव वहां पर कैंपेनिंग किया कि उनको ये लगा कि अगर हमने अपने वोट इन दोनों में बांट दिए दो उसमें, तो ये होगा कि बीजेपी जीत जाएगी, इसलिए कि इन्होंने एक माहौल बना दिया था कि 2 मई जीती गई। तो ये जो इनसिक्योरिटी थी
और दूसरे जो आउटसाइड इनसाइड वाला जो फिनोमिना था या जो मुद्दा था, वो दो चीजों ने बंगाल में जादू किया। अब अगर आप यूपी में आए तो यूपी में आप ये देखें कि योगी आउटसाइडर नहीं, योगी का जो मोदी जो है वो वाराणसी के एमपी हैं, तो ऑलमोस्ट उन्होंने पिछले 7 साल में अपने आप को उत्तर भारतीय जैसा बना दिया है। तो आउटसाइडर इनसाइडर की कहानी नहीं चल सकती। अब अगर ये इनसिक्योरिटी पैदा करना कि अगर हमने किसी एक पार्टी को वोट नहीं दिया तो लोग जो है वो बीजेपी जीत जाएगी और इसको किसी न किसी तरह आने से रोकना है, अगर ये चीज नहीं पैदा होती तो बंगाल वाला फॉर्मूला यूपी में नहीं चलेगा। एक बात। दूसरी बात, आप जो बार बार बात कह रहे हैं, बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है यूपी की, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपने तमाम फेलियर्स के बावजूद उसका एक बहुत बड़ा बेस है, लेकिन वो भी ये समझती है कि छोटी छोटी जमातों को साथ लिए बगैर, छोटे छोटे समुदायों को साथ लिए बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकते। उनका हिंदुत्व, उनका राम मंदिर, योगी का करिश्मा, मोदी का करिश्मा, ये सब उनका बेड़ा पार नहीं लगा सकता। इसलिए वो लोग 8 महीना पहले से इस काम में लग जाते हैं, जोड़ तोड़, इसको तोड़ो उसको जोड़ो, इसको ये बताओ उसको ये देंगे, इसको वो देंगे। तो मैं ये कहता हूं कि इलेक्शन जो है वो सिर्फ मुद्दों से मेरे ख्याल में यूपी जैसे सूबे में नहीं जीता जाता और नहीं हारा जाता। यहाँ पर यूपी में सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो अपनी जात का आदमी, कितना भी बदमाश हो, अगर वो मेरी जात का है तो मैं सोचूंगा कि यार ठीक है, इस मरतबा इसने हमारा काम नहीं किया था, लेकिन इसको मौका दो, आखिर है तो अपना आदमी। तो ये जो साइकी काम करती है उत्तर प्रदेश में, उस साइकी को अगर इनकाउंटर नहीं किया गया तो मैं ये समझता हूं कि सिर्फ योगी के फेलियर्स को दिखा के किसी के लिए भी इलेक्शन जीतना मुश्किल। सलीम साहब, हमने अभी जैसे बंगाल इलेक्शन और ममता बनर्जी की बात चल रही है, तो सबने ये देखा है कि ममता बनर्जी वर्सेस अगर अखिलेश यादव जी को लाया जाएगा तो पर्सनालिटी वाइज भी काफी डिफरेंट पर्सनालिटी है। ममता बनर्जी ने जब से 2014 से मोदी जी आए हुए, तब से वो उन पर जो है कटाक्ष करती रहती है, उनको क्रिटिसाइज करती रहती है, और जब उन्होंने दीदी ओ दीदी जैसे नारे दिए हर एक फोरम पर, इसके अलावा जब वो स्टेज पर जा रहे थे जय श्री राम के नारे लगे, मेरे कहने का मतलब ये कि हर तरीके से बैक फ्रंट फुट पे आकर के उन्होंने मोदी जी को मोदी जी के वार को सहन किया है। लेकिन अगर हम अखिलेश यादव जी का देखें तो अभी तक ही उस तरीके से सामने आकर के उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी है। तो आपको लगता है कि ये पर्सनैलिटी वाइज भी अगर देखें तो क्या अखिलेश यादव जी सामना कर पाएंगे अभी आने वाले 2022 के इलेक्शन का, नाकामी होने के बावजूद भी योगी गवर्नमेंट की? नहीं, देखिए ऐसा है कि हर लीडर की अपनी पहचान हो, और अगर कोई लीडर दूसरे की चाल चलने लगे, जैसे आपने सुना होगा कौवा चला हंस की चाल, तो वो अपनी चाल भी भूल जाता है। तो ममता जो है वो अखिलेश की तरह कैंपेनिंग नहीं कर सकती, और अखिलेश जो है वो ममता की तरह कैंपेनिंग नहीं कर सकती। तो ये कहना कि अगर अखिलेश ममता की तरह कैंपेन नहीं करेंगे तो नहीं हरा पाएंगे, ये मैं समझता हूँ सही स्ट्रैटेजी नहीं। असल मसला ये है कि हमेशा बीजेपी के बारे में मीडिया ये माहौल बना लेता है कि इसको हरा नहीं सकते, हालांकि ये गैर हकीकी बात है। आप देखें हिंदुस्तान में 2019 के बाद इतने इलेक्शन हुए, महाराष्ट्र में ऐसा माहौल था साहब कि मैं तो आऊंगा ही, फडणवीस मी तो येणारच, काय येणारच, आ गए थे योगी, आ गए थे योगी भी आ गया था, शाह भी आ गया था, लेकिन शरद पवार ने अपने अंदाज में जो है वो सब चेकमेट करके हुकूमत बना लिया बीजेपी के खिलाफ। सेम टू सेम हरियाणा में आप देखिए, हरियाणा का तो ये था कि अब की बार 75 पार, तो हरियाणा में खट्टर साहब को जो है वो दूसरे की मदद से इलेक्शन आए, केजरीवाल ने अपने अंदाज से इलेक्शन लड़ा और फिर वो 63 वो 12 आ गया। इसी तरह से झारखंड में आप देख लो कि झारखंड में जो है एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में कहा जाता था वो तो खत्म हो गई, मरकप के बराबर हो गई, वो जीत गई। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आपको एक खास अंदाज में काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने अंदाज में काम करना पड़ेगा। इस सिलसिले में मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो
जो चेंज है पिछली बार में और अब में, वो ये है कि पिछली बार इलेक्शन में, इलेक्शन से पहले अखिलेश की हुकूमत थी और यशपाल यादव और अखिलेश यादव में लड़ाई हुई थी, ये सारी बिल्कुल दुनिया है। जानती है, इसको हम छुपा नहीं। इस बार उल्टा हो गया, इस बार योगी की हुकूमत है और योगी ने सारी दुनिया से लड़ाई मोल लेके रखी हुई है। कभी वो शाह से भिड़ जाता है, कभी वो मोदी से भिड़ जाता है, यानी ए के शर्मा से भिड़ जाता है, कभी वो मौर्या से भिड़ जाता है, कभी किससे कभी कुछ से। तो ये जो इनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो इनका दाखिली तसादुम है, ये इनको उसी तरह नुकसान पहुंचा सकता है जिस तरह से के अखिलेश की एक कामयाब सरकार को आपसी लड़ाई ने नुकसान पहुंचा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि जिस तरह से उस लड़ाई का फायदा बीजेपी ने पिछली मर्तबा उठाया और 16 पार्टियों का अलायंस बनाया और इलेक्शन जीता, इस तरह की स्ट्रेटजी जो है वो समाजवादी पार्टी को इस बार बनानी पड़ेगी, महज ये कहने से कि अब हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, ये लोग नाकाम हो गए, काम नहीं चलेगा। मेरा हिसाब से मेरा ये सवाल है कि सोशल इंजीनियरिंग का फैक्टर काफ़ी अहमियत रखता है चुनावों में, और जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं यूपी, वहाँ पर जाति समीकरण काफ़ी मायने रखता है। तो क्या अखिलेश यादव जी सोशल इंजीनियरिंग पे कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ के जो दूसरे पसमानदा जो जातियाँ हैं उनको साथ में ले करके आने का प्लान कुछ चल रहा है? देखिए, ये कहना तो मुनासिब नहीं लगता कि सोशल इंजीनियरिंग करेंगे हम लोग, बल्कि ये बात ज़्यादा बेहतर होगी कि वो तबकात, वो समुदाय जो उम्र सत्ता से वंचित रखे जाते हैं, जिन्हें सत्ता का लाभ नहीं दिया जाता, ऐसे बहुत सारे समुदाय, बहुत सारी इकाइयां, बहुत सारी यूनिट्स हैं, उनसे गुफ्तगू भी चल रही है, उनसे साथ भी लिया जाएगा, साथ भी दिया जाएगा, ये सब काम हो रहा है। कुछ सवाल मैं ऐसे करना चाहता हूँ जो कि सोशल मीडिया में काफी वायरल होते हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आजम खान साहब, जिन्होंने काफी काफी साल से वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे और काफी बड़ा योगदान है उनका, लेकिन इस वक्त वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनकी फैमिली, उनकी वाइफ और उनका बेटा भी जेल में थे कुछ वक्त तक। इस वक्त क्या कर रही है समाजवादी पार्टी उनको मुख्यधारा में लाने के लिए, और इस वक्त कैसा रहेगा माहौल अभी जब 2022 के इलेक्शन होंगे, खासतौर से रामपुर का? देखिए, उनको जितनी भी कानूनी मदद है सब समाजवादी पार्टी कर रही है, अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, वकील से लेकर हर तरह का मामला, हॉस्पिटल, जो जो चीज, सेहत के जितने मामले हैं, सारा कुछ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कर रहे हैं, कहीं से कोई कमी नहीं। फिर जहां सड़कों पे उतर के एहतजाज करने की बात थी, आंदोलन करने की बात थी, अपनी आवाज को बुलंद करने की बात थी, वो भी किया गया। 12 दिन तक कंटिन्यूस पूरे यूपी में यात्राएं निकाली गई आजम खान साहब की रिहाई के लिए, मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ, योगी सरकार के जुल्म के खिलाफ। फिर मुलायम सिंह यादव जी ने खास आजम खान साहब के लिए मोदी से भी बात की। ये आजम खान निशाना नहीं, निशाना जौहर यूनिवर्सिटी है, निशाना जौहर यूनिवर्सिटी है। ये जौहर यूनिवर्सिटी, इसके पेट में दर्द होता है, ये आपको हमको तरक्की करते नहीं देखना चाहते हैं। ये सिर्फ भारत में या किसी भी रियासत में एक रंग देखना चाहते हैं, और ये होने दिया नहीं जाएगा। सलीम भाई ने बिल्कुल सही कहा कि भले वो लोग नाकाम है, हम आराम से नहीं बैठे। समाजवादी पार्टी के, मैंने कहा कि पूरा थिंक टैंक इस पर लगा हुआ है कि किस तरह के रास्ते अपनाए जाएं, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए जिससे इनके जो मुद्दे हैं, लोगों को बहकाने वाले मुद्दे, उनको कैसे काउंटर किया जाए। हमारे अपने लोग, खासकर मुसलमान वोटों के दावेदार पार्टियां, वो किस तरह के मुद्दे लेके आ रही हैं, उनको किस तरह काउंटर किया जाए और किस तरह से इसकी नाकामी बताई जाए, इस तमाम बातों पर चर्चा हो रही है, स्ट्रेटेजी हो रही है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि आपको दिखाई देना शुरू होगा कि हमारे काम किस तरह हैं, हमारी रणनीति क्या है। जाहिर सी बात है, यहाँ ओपन मीडिया में तो तमाम रणनीति पर ना मैं बात कर सकता हूँ, उनको उजागर किया जा सकता है। नहीं, जमीन साहब, आप किस तरह देख रहे हैं यूपी के 2022 के इलेक्शन में एमआईएम की एंट्री हो रही है, 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? तो साफ तौर पे नजर आ रहा है कि इस बार मजलिस का जो रुझान है वो बजाय ज्यादा सक्सेस हासिल करने के, डिस्टर्ब करने के ज्यादा मूड में दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह मेरा साहब ने कहा कि जो पार्टी अपनी जहाँ पे उसकी
बेस है वहाँ पे 11 सीट से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेते। अब दूसरे रियासतों को लेके उनकी स्ट्रेटेजी एक अजीब तरह की होती है जिसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी को ही फायदा होता है। महाराष्ट्र में भी उन लोगों ने 25-30 सीटों पर लड़ा है, हालांकि यहाँ पे 2-3 सीटों पे जिस तरह से पिछले मरतबा था उसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए था, या कम से कम जैसा प्रकाश अम्बेडकर के अलायंस के साथ उनका स्ट्रेटेजी पहले पार्लियामेंट इलेक्शन में थी उसी तरह लेके चलना चाहिए था। दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचा सकता था, लेकिन वैसा नहीं करते हुए फिर दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी और नतीजे में वही वोटों की तकसीम हुई और उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी, शिवसेना इस तरह के पार्टियों को हुआ है। तो यूपी में भी जो अभी बताया गया कि 100 सीटें वो लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये दानिशमंदी की अलामत नहीं है, इस तरह से उन्होंने नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से दीगर पार्टियों को साथ लेकर वो चलने की बात कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से उनको ये करना चाहिए कि जिन इलाकों में उनको जैसा माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेट एरियाज में आमतौर पर मजलिस अपने उम्मीदवार खड़ा करती है वहाँ पे ताकत लगाती है और वहाँ से उनको कामयाबी भी मिलती है। बिहार में 5 सीटें जैसा मिली, तो उस तरह से यूपी में भी 5-10 सीटें उनको मिल सकती है, क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, बड़ी स्टेट है, कई इंतखाबी हलके जैसा जहाँ पे 40-50% से ज़ायद मुस्लिम वोटर्स का जो तनासब है और वो फैसला कुन वहाँ पे मौकूफ़ है। तो ऐसे सेलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर वो फोर्स लगाते हैं तो ज़्यादा आउटकम आएगा। अगर इस तरह से 100 सीटों की बात करेंगे तो होगा ऐसा कि जो माइनॉरिटीज वोटर्स है वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न का शिकार होंगे और नतीजे में फिर वही बीजेपी को कट टू कट जैसा कम मार्जिन से क्यों ना होता वो से सीटें जाने के इम्कान थे। और जहाँ तक लेकिन मुसलमानों की जमीर साहब सवाल ये उठता है कि बड़ी पार्टियां गठबंधन करने की बात ही नहीं करती है ना एमआईएम के साथ में। कांग्रेस क्या गठबंधन करना चाहती है, बात करना चाहती है, बसपा बात नहीं करना चाहती, सपा पहले ही बोल चुकी कि वो वोट कटवाए। तो बड़ी पार्टियां जब उनसे बात नहीं करेंगी तो उनके पास भी क्या ऑप्शन है? नहीं, तो बड़ी पार्टियों का मसला वही है कि अगर कोई भी पार्टी इनको अपने साथ अगर लेने की कोशिश करेगी तो बीजेपी के लिए इनको जैसा एक तरह से इमेज बना दी गई, कट्टरपंथी है और एक इस तरह से हार्ड लाइनर के तौर पे इनकी इमेज बनाई, तो कोई भी बड़ी पार्टी नहीं चाहती कि इनको साथ लेके वो उसको जो सो डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाने का उनको एक मौका मिल जाए, तो इसलिए बड़ी पार्टियां इनको नज़दीक आने नहीं देती। और जहां सवाल इनका जो अप्रोच होता है, बड़ी पार्टियां ठीक है इनको सब ये भी करेंगे, लेकिन इनके शराइत बाद में ऐसे होते हैं कि वो बड़ी पार्टियां उनको किसी उनके लिए काबिल कबूल हो नहीं पाते हो। तो फाड़ के जो सो बहुत ज़्यादा सीट का डिमांड करने लगते हैं या कुछ ऐसे इलाकों से भी सीटें मांगने लगती है जहाँ से ऑलरेडी स्टेबल पार्टियों के कैंडिडेट वहाँ से जो जीत के आ रहे हैं, तो ऐसी शर्तें होती है जो उनके लिए पॉसिबल नहीं होती, इसकी वजह से इनके मामला नहीं जम पाते हैं। एक और आखिरी जहाँ सवाल तक था मेरा, हिसाब से जी ज्यादातर व्यूवर्स ने हमारे सवाल किया है कि हम ये जानते हैं कि सपा का जो ज्यादातर वोट बैंक है 18-19% मुसलमानों का है, तो क्या इस बार हम कुछ देख सकते हैं नया समीकरण बनते हुए कि कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन सकता है? ऐसा कुछ अंदर प्लानिंग चल रही है क्या? देखिए, ऐसा है कि ये सब चीज कोई माने नहीं रखती और मुसलमानों के सब चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। हमें तो ये देखना चाहिए कि हमारे काम कौन करता है, हमें कौन सी हुकूमत हमारे मसाइल को हल करती है। उप मुख्यमंत्री बन जाएगा और मसला हल नहीं होगा तो क्या मतलब हो गया बन के? अखिलेश गवर्नमेंट, देखो आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए कि जितना काम हम लोगों के लिए अखिलेश गवर्नमेंट ने किया है दूसरी किसी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं किया। और लोगों को सोचना भी चाहिए, समझना भी, देखिए जज्बात से काम नहीं होता है। और भारत का नेचर भी ऐसा नहीं, हम हैं कितना परसेंट यहाँ, हम एक तरफा वोटिंग की बात करके खुद तो मुत्तहिद नहीं होते हैं, भाजपा वालों को मुत्तहिद कर देते हैं, क्या कर लेंगे आप? भारत का नेचर ऐसा है जो साथ चलने की बात करता है, साथ रहने की बात करता है। आपका दिल माने ना माने, ये ऊपर वाले ने मजबूर किया है आपको कि जिस देश में, जिस मुल्क में आप रहते हैं, ये मुल्क कथीरुल मजाहिब मुल्क है, यहाँ अलगाववादी सोच नहीं चलने वाली, ना मेरी चलेगी ना उनकी चलेगी, ये सियासत है। यहाँ ऐसे ही रास्ते अपनाने चाहिए कि वो भी हमारे साथ आए, हम भी साथ आए और मिलजुल कर इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। जो लोग मजलूम हैं उनकी बात की जाए, धन की राजनीति क्यों, नफरत की सियासत क्यों, बात तरक्की की हो जाए, बात उन लोगों की हो जिनके साथ जुल्म हुआ है, चाहे जिस मजहब, जिस जात, जिस धर्म का हो। अगर हमने ये करना शुरू किया तो
तभी तो असल होगा। देखिए ये छोटी मोटी चीजें, बख्ती नारेबाजियां, बख्ती लोगों को जहन को खराब कर देना, इससे क्या होगा? इससे हमारे ही नुकसान होता है, क्या कर लेंगे हम? तो मेरा कहना ये खासकर मुसलमानों से कि सियासत में कम से कम आप जज्बाती न बने, आप सोचें, सोच समझ कर फैसला करें कि कौन से तरह की सियासत, किस तरह की रणनीति आपके हकूक को दिला सकती है, आप ज्यादा से ज्यादा फायदा कौन से रास्ते पे चल के ले सकते हैं। अगर ये सोचने लग जाए तो हम देखिए बंगाल में सलीम भाई ने ठीक कहा कि वो एक आम बंगालियों के लिए बात थी कि बाहर के लोग हैं, लेकिन वहां का जो बंगाली मुसलमान था वहां भी तो ये हुआ, वहां दो दो तीन तीन मुसलमान पार्टियां बना के पूरी तरह लगी हुई थी बाहर करने के लिए, लेकिन वहां के मुसलमानों ने भी तय किया। बहुत 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 शुक्रिया सर आपका कीमती वक्त देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स तो ये थे मेरा साथ जिनसे हमने जाना अपकमिंग 2022 के यूके इलेक्शन के बारे में। व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। कुछ अन्य मुद्दों के साथ इसी तरह हम आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद।